इस वक्त मौजूद हैं पूर्व दिल्ली के आनंद विहार के पास बन रहे एक फ्लाईओवर के, बन रहे या मैं यूँ कहूँ कि बनकर तैयार हो चुके फ्लाईओवर पर। राजीव सर तस्वीरें दिखाइए। दरअसल आप सामने की तरफ जाएंगे तो इधर अप्सरा बॉर्डर रिशाट गार्डन है और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है पीछे की तरफ है आनंद विहार और आगे जाके रास्ता जो है वो मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे में मिल जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है, लेकिन ये जो फ्लाईओवर है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया है। चालू ना करने की वजह जो है वो हैं ये पेड़। ये देखिए आप यहाँ शुरुआत में देखेंगे तो जो मेन कैरिज वे है ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है, 95% से ऊपर का काम यहाँ हो चुका है, काली डाबर भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो पहले सबसे पहले जामुन का पेड़ आपको नज़र आएगा। राइट जरा दिखाइए इस तरफ से, और जब थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको ये 6 लेन का है टोटल, आप वहाँ देखेंगे तो आपको नीम का पेड़ नज़र आएगा और जिसकी वजह से मेन कैरिज वे को खोला नहीं जा पाया है। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.4 किलोमीटर का पूरा का पूरा फ्लाईओवर है और इसकी जो लागत है वो 372 करोड़ है। PWD डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, लेकिन इस तरह के जो पेड़ हैं इनको काटने की परमिशन जो है वो PWD डिपार्टमेंट को नहीं मिली है, क्योंकि डीम्ड फॉरेस्ट में ये रोड जो आ चुका है ये रोड नंबर 56 है जो कि आनंद विहार का है, और ऐसे तकरीबन 75 पेड़ हैं जिनको जो है काटा जाना था। हालांकि इसको लेकर के जुर्माना भी लगा था PWD शुरुआत में, और इस पूरे फ्लाईओवर को बनाने का जो योजना है वो शुरू हुई थी या उसका विचार किया गया था 2019 में, क्योंकि ये जो सबसे व्यस्त रहने वाला मार्ग है, अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं नज़र नहीं आ रहा, सुबह का वक्त है, लेकिन दोपहर शाम और वक्त जो पीक टाइम होता है उसमें यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक लगता है, तो उसको देखते हुए योजना 2019 में लाई जानी थी, इसको मंजूरी मिलनी थी, लेकिन कोविड शुरू हुआ तो इसकी वजह से आखिरकार 10 मई 2022 को इस परियोजना को मंजूरी मिली। लेकिन जो काम है यानी कि जो इसका उद्घाटन है वो अक्टूबर 2022 में किया गया। खुद मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो आए थे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर और उन्होंने कहा था कि दिल्ली को जाम मुक्त बनाना है, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई, बकायदा 372 करोड़ रुपये का इसको लेकर के फंड भी का सेंक्शन मिला। तब उसके बाद जब इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 में तो इसको बनने का जो समय था वो रखा गया था दिसंबर 2023, लेकिन उस वक्त काम तो हुआ लेकिन इन पेड़ों को काटने की मंजूरी नहीं मिली जो कि 75 पेड़ हैं। उसके बाद इसके एक म्याद बाद फिर से बढ़ी और म्याद जो है बढ़कर हुई अप्रैल 2024 यानी कि अब हम जुलाई में बात कर रहे हैं तो 2 महीने बीत चुके हैं। तो ये देखिए मेन कैरिज वे को ये पेड़ जो हैं, सामने नीम का पेड़ आपने देखा, इधर जामुन का पेड़ देखा, और आगे की तरफ राइश पीछे की तरफ भी दिखाइए, आगे रोड को मर्ज होना है तो वहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं साइन बोर्ड्स वगैरह लगने हैं, तकरीबन 3 पेड़ जो हैं वहाँ पर जनरेटर तक आपको नज़र आएंगे, यानी कि बन चुका है और वहाँ पर आपको देखेंगे साइन बोर्ड के जो पिलर्स हैं वो भी ला दिए गए हैं, लेकिन वो तब तक खड़े नहीं हो सकते जब तक कि ये पेड़ यहाँ से रीट्रांसप्लांट न किए जाएँ यानी कि कहीं और ना लगाए जाएँ। तो इसको लेकर के परमिशन के चक्कर में ये पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है। अब आप देखिए यहाँ जो सर्विस मेन कैरिज की हमने बात करी, जो सर्विस रोड है दिखाइए, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको बीच बीच में पेड़ नज़र आएंगे, वहाँ पर ये पेड़ जब तक हटाए नहीं जाएंगे यहाँ से तो सर्विस रोड भी पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्योंकि परमिशन नहीं दे रहा है और PWD का कहना है कि पूरी तरीके से तैयार हो रखा है, सिर्फ ज़रूरत है तो इन पेड़ों को यहाँ से रीट्रांसप्लांट करने की, कहीं और लगाने की, लेकिन परमिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से 95% ज़्यादा काम हो चुका है और 372 करोड़ रुपये की जो परियोजना है ये रुकी हुई है। और देखिए ऐसे में देखें तो पेड़ों को लेकर के दिल्ली में पहले से ही बात होती रही है कि प्रदूषण दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा रहा है और दिल्ली सरकार कहना है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए ना सिर्फ पेड़ लगाए जा रहे हैं बल्कि जो वैकुलर यानी कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है उसको कम करने के लिए भी इस तरीके के फ्लाईओवर दिल्ली के अलग कोनों में बनाए जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर के बारे में भी कहा जाता है कि ये 3 रेड लाइट्स को पार जो है करने का मौका मिलेगा, यानी कि 3 रेड लाइट्स के चालू होने से ख़त्म हो जाती है, जिससे लाखों यहाँ पर वाहन वह हैं जो कि यूपी से आते हैं दिल्ली की तरफ या आगे फरीदाबाद जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे, लाखों लीटर तेल बचेगा और इसके चालू होने से 11 मिनट जो है कम से कम हर किलोमीटर के एक साइड से, यानी कि आनंद विहार से दिलशाद गार्डन की तरफ जाएंगे या दिलशाद गार्डन अप्सर बॉर्डर से आनंद विहार की तरफ जाएंगे तो जाने में आपके 11 मिनट बचेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर
इसी को लेकर के बातें भी हो रही हैं कि जब तक ये पेड़ के हटाने या काटने की परमिशन नहीं मिलती है तब तक ये कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि साउथ दिल्ली के सतबरी इलाके में DDA पर यह आरोप है कि उसने बिना सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वो भी रिज एरिया है, वहाँ पर 1100 पेड़ों को काट दिया है, जिसकी वजह से सड़क जो बनाई जानी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर हमें ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर इन पेड़ों की वजह से 372 करोड़ रुपए जो लगे हुए हैं और फ्लाईओवर पूरी तरीके से तैयार है, 95% ज़्यादा काम हो चुका है, लेकिन इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ इन पेड़ों को यहाँ से हटाने की परमिशन का, जो कि फिलहाल मिल नहीं रही है। प्रवीण सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, मैं भारतवर्ष।